कई दशक पूर्व मिथिलांचल को उद्योग के क्षेत्र में शक्तिशाली बनाने के लिए दरभंगा महाराज ने कई मिल स्थापित किए थे। समस्तीपुर में रामेश्वर जूट मिल, मधुबनी जिले में लोहट और सकरी और रैयाम का नाम आपने जरूर सुना होगा। बताना यह उचित होगा कि जिस तरह से दरभंगा महाराज ने कल कारखाना लगा के मिथिला को उचित स्थान दिलाने के लिए, उन्नतशील बनाने के लिए वो शुरू से ही प्रयत्नशील रहे हैं, और इस मामले में अगर सरकार का रवैया उदासीन अगर नहीं होता तो आज यह दिन देखने को मजबूर नहीं होना पड़ता। जी हां, हम पहुंचे हैं मधुबनी ज़िले के लोहट, और लोहट चीनी मिल से आपका स्वागत है। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको ताज़ा तरीन समाचारों से, ऐसे समाचारों से अवगत कराते हैं जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, और उसको आपके सामने में हम रिपोर्टिंग करते हैं फील्ड से। हम स्टूडियो से रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, फील्ड में पहुंचते हैं और जानकारी से रूबरू करवाते हैं। लोहट चीनी मिल की हम बात करें तो लोहट चीनी मिल का जो दरभंगा महाराज ने यहाँ शुरुआत किया था, ऐसे ऐसे यहाँ उपक्रम लगे हुए हैं जो आज यहाँ आने पर अगर आप आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत कष्ट का एहसास होगा कि इतने मात्रा में जो भी सामान पड़े हुए हैं वो जंग खा रहे हैं। और जंग खाए भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ सरकार अगर इस पर ध्यान देती, जब मिल बंद हुआ था 1997 ईस्वी में, तो 97 ईस्वी से इसको अगर राज्य सरकार द्वारा देखा जाता तो निश्चित तौर पर यह परिस्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं होती। हम आपको बता दें कि एक यहाँ स्लोगन लिखा हुआ है इस बोर्ड पे, आप भी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा ही करें। राष्ट्रीय चरित्र के माध्यम से जब यह मिल यहाँ पर चल रहा था उस समय इस बोर्ड को लगाया गया है कि 1965 ईस्वी में एक भारतीय उद्योगपति एक बार पश्चिम जर्मनी गए हुए थे, जहाँ वो एक कारखाना में घूमकर देख रहे थे कि कारखाना कैसे चलता है। वो एक कामगार के पास रुक गए, ठिठक गए, और उन्होंने उससे कुछ प्रश्न पूछा, लेकिन उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि कई बार उस कामगार के द्वारा पूछे जाने के बाद भी वो उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद भोजन के लिए घंटी बजी और सभी कारखाने के मजदूर भोजनालय में इकट्ठे हो गए। वहीं पर वह मजदूर उस भारतीय पर्यटक उद्योगपति के पास फिर लौट के आया, जिस मजदूर से उन्होंने भारतीय पर्यटक ने क्वेश्चन किया था, वो मजदूर लौट के आया काम के बाद, भोजनालय के बाद, और प्रेम से हाथ मिलाते हुए पूछा कि क्या वे मजदूरी से अपने देश में उस समय बात करते हैं जब वे काम में लगे रहते हैं। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वह यह भी कहने लगा कि यदि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए रुकता तो मैं अपने कुछ अवधि का, कुछ मिनट का बर्बाद करता, जो हम कारखाना का जो पारिश्रमिक हम ले रहे हैं उसको हानि होता। कहने का मतलब यह है कि वह मजदूर जो यहाँ कार्यरत था, जो काम कर रहा था, वो पर्यटक अगर उनसे पूछने के लिए आए कि ये जो काम आप कर रहे हैं यहाँ उसके विषय में पूछे, लेकिन वो काम के समय में सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान देता दिया और पूछे गए प्रश्न का जवाब भोजनालय के बाद उस पर्यटक को दिया। यही अगर होता कि जब ये मिल बंद होने के कगार में थी और इस पर अगर सरकार ने ध्यान दिया होता उस समय में, तो ये परिस्थिति नहीं बन पाती। लोग बताते हैं कि एक महीने जब लोहट चीनी का निर्माण हुआ था तो एक महीने का जो इनकम था उस इनकम से रैयाम और सकरी चीनी मिल का निर्माण हुआ था। यहाँ जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार नहीं कहेंगे, यहाँ जो रखवाली करते हैं एक बुजुर्ग हैं, हम इनसे पिछली बार भी बात किए थे, और ख़ास करके इनकी जो स्थिति परिस्थिति है, आँखों से कम दिखाई देता है और इनके आँखों में सपना है कि कौन कब ऐसा दिन आएगा कि तारा नार आएंगे और इस जगह का उद्धार करेंगे। हम बात करते हैं यहाँ से इनसे और पूछते हैं कि वर्तमान में जो आप इतना दिन से हैं, अब वर्तमान की क्या स्थिति है, पदाधिकारी आते हैं तो क्या बताते हैं?
पदाधिकारी बताते आते हैं तो सर कहते हैं आप लोग रहिए तब हम व्यवस्था करते हैं, और इसका व्यवस्था कुछ नहीं होता है, हम सब घर से खा कर आते हैं और जाते हैं, दो तीन रात में भी आदमी देते हैं यहाँ पर, नहीं रहेंगे तो एक तो सामान नहीं रहेगा। तो इसके द्वारे जवाबदेही है सर, जवाबदेही में क्या करें, कितना दिन हम लोग अब खरने में कोई चाबी लेता नहीं हमसे, ये चाबी ले लेता हम लोग को छुट्टी हो जाता तब चैन हो जाते। निश्चित तौर पर इनकी जवाबदेही है, क्योंकि परिवार का कोई गार्जियन अगर किसी बच्चे को घर का चाबी सौंप के देता है या किसी को वो चाबी दे के जाता है तो उसका रखवाली करना उसका कर्तव्य बनता है, और ये कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं अभी तक अटल हुए इस काज पर। जनरल मेजर चाबी दिया नहीं, नहीं आपने एक बार मानदेय में हम लोग को रखा, पैसों नहीं दिए, केस किए, पैसों नहीं दिया अभी तक, और तैयो जनरल मेजर कोई चाबी लेता नहीं है जो हम छोड़ कर चले जाए कहेगा जी ऐसा ये करा दिया ये कर दिया, इस द्वारे डर से हम लोग इसको धरे हुए हैं। निश्चित तौर पर बात बहुत बड़ी है कि जब तक कोई जवाब दे पदाधिकारी अगर इनसे ये मिल का चाबी नहीं लेगा तब तक ये चाबी किनको समर्पित करेंगे, कोई नहीं लेने क्योंकि नहीं। ये मजदूर है, मजदूर के रूप में यहाँ रहे हैं, और कल कारखाना में जब से शुरुआत हुई है उस समय से लेके अभी तक इस जगह का इन्होंने अगर नमक खाया है तो उसका शरीयत देने का यह काम कर रहे हैं। ये मैं नौकरी किए 80 से हमको परमानेंट हुआ, 16 में आकर के रिटायर हो गए, और इसके बाद जो हमको डीएम साहब चाबी लिए रखिए रखिए आप रहिए, सब आदमी कहा रहा सब जितना और सिपाही साथ छोड़ छोड़ के भाग गया, कोई चाबी लेने वाला नहीं होता है। अब यो बेटा बोर्ड लगा दिया है, आता है तो कोई चाबी नहीं लेता, कहते हैं चाबी ले लीजिए अपना छोड़िए दूसरा सिपाही दीजिए, वो भी कहता है हम आते हैं देंगे, कोई व्यवस्था नहीं है, मंगनी में हम लोग घर से खा करके आते हैं यहाँ पर समय बिताते हैं, और अच्छा नहीं रहे तो एक ठोस सामान देखिए कितना सामान पड़ा हुआ है जहाँ तहाँ सब छो लूट करके ले जाएगा यहाँ का लोग, इसका जवाब नहीं कम से कम हम लोग नहीं अगर ये रहेंगे तो निश्चित तौर पर जितना आप देख रहे हैं अपने सहयोगी से कहेंगे कि जितना देख रहे हैं यहाँ जो भी कारखाना में जो ये लोहे का एक से एक अलग से अलग मशीन लगा हुआ है इसके जो पार्ट्स को लोग अगर ले जाएंगे, यहाँ मोटर खुल के रखा हुआ है, अगर इसको ले जाएंगे तो फिर इनको जवाबदेही देना होगा, और ये चूंकि ठहरे सबसे कमजोर व्यक्ति है जवाबदेही अगर कोई चाबी जब तक नहीं लेंगे तब तक इनका ये जवाबदेही से मुक्त नहीं होंगे। आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा कहा गया है कि लोहट चीनी मिल में अब एथेनॉल का उत्पादन होगा। जमीन की नापी की गई है और हम जहां बोर्ड लगा हुआ है हम बोर्ड के पास भी चल के आपको दिखाएंगे। लोहट चीनी मिल के दिन अब भरने वाले हैं, यहां के लोगों को भी रोजगार का अवसर प्रदान होगा, अब बहुत से दिनों से लोगों ने आंखों में सपना जो संजोए हुआ है लोहट चीनी मिल को लेके अब लगता है कि वो पूरा होगा। उसके लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा द्वारा करीब 80 एकड़ जमीन की मापी की गई है, और एथेनॉल का जो निर्माण होगा उसके लिए प्रथम फेज की जो प्रक्रिया है जमीन का आवंटन, उस आवंटन वो हो गया है, और उसके बाद का जो फेज होगा जो सरकारी काम जो होता है वो काम में जो अलग अलग उसका प्रारूप होता है उस अनुसार से आगे काम बढ़ेगा। अभी आपको बताएं कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा ये घोषणा किया गया है कि ये लोहट चीनी मिल में एथेनॉल का उत्पादन होगा, हम आपको फिर यहाँ से जो भी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के लिए हम आपसे मिलेंगे। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो निश्चित रूप से चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव, फिर हम मिलते हैं किसी अन्य खबर के लिए किसी अन्य जगह से, तब तक आप बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।